संदीप आचार्य 2006 इंडियन आइडल यानी कि इंडियन आइडल 2 के विजेता रहे संदीप आचार्य का निधन हो गया है। गुड़गांव के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जॉन्डिस था उनको, पिछले 15 दिनों से इलाज चल रहा था। राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले हैं। 29 साल के संदीप आचार्य 2006 इंडियन आइडल यानी कि इंडियन आइडल 2 के विजेता संदीप आचार्य, उनका निधन हो गया है। उनकी एक पत्नी है और एक महीने की बच्ची है। गुड़गांव की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गुड़गांव के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। संदीप आचार्य की तस्वीरें आप देख रहे हैं। संदीप आचार्य जो कि इंडियन आइडल 2। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पिछले 15 दिनों से जॉन्डिस से पीड़ित थे संदीप जी। इससे पहले उनका बीकानेर में भी इलाज चल रहा था और बीकानेर से ही उनको गुड़गांव के स्थित बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये समाचार आ रहे थे कि संदीप की हालत अब ठीक है, लेकिन आज अचानक ये खबर आई कि उनका निधन हो गया। और इसके बाद बीकानेर शहर में पूरी तरह शोक की लहर छा गई। लोग जो कि संदीप आचार्य को वहाँ पर काफी आगे जाता देख चुके थे, उनके लिए इस बार की बात को यकीन करना बड़ा मुश्किल था कि उनका चहेता ये सिंगर अब इस दुनिया में नहीं है। खासतौर पर उस स्थिति में जब राजस्थान में कई पुरस्कार संदीप आचार्य को मिल चुके हैं, जिनमें गोल्डन वॉइस अवार्ड और उसके अलावा सुर आराधना जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार संदीप जीत चुके थे। 22 अप्रैल 2006 को उन्होंने ये इंडियन आइडल 2 का पुरस्कार जीता था, विजेता रहे थे। और उसके बाद वो एक के बाद एक सफलता की कई सीढ़ियां चढ़ते गए और 29 साल की उम्र में उनका अचानक इस तरह से निधन हुआ। एक महीने की बच्ची है और पिछले साल ही संदीप का विवाह हुआ था। उनकी पत्नी और बच्ची इस वक्त बीकानेर में ही है और उम्मीद की जा रही है कि उनका अंतिम संस्कार कल बीकानेर में किया जाएगा। शुक्रिया आपका मनीष, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।